एक व्यक्ति ने सवाल किया था मेरे से कि क्या सच में नानक जी के पांव के साथ काबा का घूम गए थे। ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा गया है, इसी घटना का वर्णन किया गया है कि वो जीवन नाम के व्यक्ति जिन्होंने उनके पैरों को घुमाने की कोशिश की तो वो सब कुछ घूम गया। लिखने का रहस्य उनके चमत्कार संत करते नहीं हैं, हो जाते हैं। और ये नहीं होता कि सबको वही चीज अनुभव हो, वहां केवल वो एक व्यक्ति नहीं होगा, बहुत व्यक्ति होंगे, बहुत लोग होंगे, लेकिन उन्हें ही ये घुमा हुआ ये चमत्कार क्यों अनुभव हुआ? विचार करने के बहुत प्रसन्न हैं। तो जब संतों के चरणों को स्पर्श किया जाता है गुरु पद नख मणि दिव्य ज्योति, तो सब ग्रंथों के अंदर ये वर्णित है कि जब स्पर्श होता है तो दिव्य दृष्टि खुलने लगती है, वो दृष्टि जागृत हो जाती है, जिसका जिक्र हमारे संतों ने किया, ऋषियों ने किया, मेरे गुरु श्री कृष्ण ने भी किया, और भी बहुत सब धर्मों के लोगों ने किया। वो पूर्ण संत थे, उन्हें कृपा करनी होती है जीव के ऊपर। जब वो जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य ले करके, माध्यम बना करके, कुछ ना कुछ अनुभव करा करके उन्हें अपना बना लेते हैं, उस जीव को अपना लेते हैं। उसी प्रकार से गुरु नानक जी ने यही किया कि पैरों के माध्यम से जब उन्होंने छुआ, उनकी दृष्टि जागृत हो गई, और जहां भी वो नजर डाले वहां नानक जी ही नानक जी दिखाई देने लगे, सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा। वो घुमा रहे, सब कुछ साथ में घूम रहा। ये शरीरों का और काबा का खेल नहीं था, ये जो उनको जागृति हुई, जो संत ने उनके ऊपर कृपा की, जो संतों के स्पर्श से उन्हें प्राप्त हुआ, जो दया उनके ऊपर की गई, उनसे ये अनुभव हुआ। लेकिन बहुत लोग इसको समझने में, स्वीकार करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बीच में अहंकार आ जाता है, धर्म का अहंकार आ जाता है, माया का अहंकार आ जाता है, ताकत का अहंकार आ जाता है, बड़े छोटे का अहंकार आ जाता है। संतों के ऊपर बस लोग दावा करते रहते हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे धर्म के हैं, ये हमारी जाति के हैं,
लेकिन वो सबके होते हैं। न ऐसा कोई धर्म विशेष होता उनका, ना वो किसी धर्म विशेष के होते। हाँ, ये बहुत बार हुआ कि जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, वहाँ लोग लाखों की संख्या में उनके शत्रु हो गए, क्योंकि वो चोट करते थे अंदर जा करके, रिवाजों के ऊपर, रूढ़ियों के ऊपर, जो बंधन अपने आप लोगों ने लगाए उनके ऊपर, और किसी को भी अपना घेरा तोड़ना पसंद नहीं होता, दायरा छोड़ना पसंद नहीं होता। मैं देखता हूँ बहुत लोग नौकरी में परेशान होते रहेंगे, अगर सामने से कोई दूसरा बुला रहा हो, उससे ज़्यादा पैसे भी दे रहा हो, मान सम्मान भी दे रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, तो भी उस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस मैं यहीं के लिए बना हूँ, आगे मुझे कुछ नहीं करना चाहिए और यहीं मैं सुरक्षित हूँ, वहाँ गया तो असुरक्षित हो जाऊँगा। इसी प्रकार से लोग इन रूढ़ियों से, रिवाजों से बंधे हुए हैं, कहीं हम इनको छोड़ ना दें, कुछ गलत ना हो जाए, कहीं रास्ते बंद ना हो जाएं, हमारा क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, गुरु की माने, पुस्तकों की माने, या पूर्वजों की माने, किसकी माने, किसको छोड़ें, फिर ये लगता है कि सबकी ही मान लेते हैं, और सबकी मानने में बहुत चीज़ें पीछे रह जाती हैं, और वो सबकी मानने से जो खिचड़ी बनती है वो बड़े ख़राब बनती है, उससे फिर जीवन में रोग और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये रोग और परेशानी जीवन में भयंकर दुख पैदा करते हैं। शरीर रहते कष्ट होंगे, शरीर जाने के बाद भी कष्ट झेलने पड़ेंगे, फिर ऐसी वस्तुओं का, ऐसे संसार का, ऐसी माया का क्या लाभ, क्या काम आए। जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, हमें कुछ नहीं पाया इस संसार से, चाहे हमने पा लिया, खोज लिया, देख लिया, लेकिन जब तक वो परम तत्व नहीं मिला, हमने स्वयं की खोज नहीं की, उस सार शब्द को नहीं जाना, उस शब्द की पहचान नहीं हुई, फिर क्या मिला आप लोगों को। ये संसार ऐसे ही आए, ऐसे ही चले गए। इस संसार में मात्र आप भोजन करने के लिए तो आए नहीं होंगे। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो मरने के बाद शिवलोक चला जाऊंगा, कैलाश पर्वत पर मेरा वास होगा। आप लोग इस शरीर के साथ ही कैलाश पर्वत पर जाकर के देखिए दो चार बार, आपके मन के अंदर कितना भय पैदा होगा, क्योंकि सोचना एक अलग विषय है, अनुभव एक अलग विषय है। कुछ लोग पहाड़ों की कल्पनाएं करते हैं कि पहाड़ों में बहुत अच्छा जीवन है, चार छः महीने पहाड़ों में रह करके देखिए कैसा अनुभव होने लगेगा।